बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह के फजलो करम से ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं घर में कीमा और मटर बनाने लगी थी, मैंने सोचा आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँ। ये देखें, ये 1 किलो बीफ का कीमा है और ये 1 प्याली मटर है, ये 3 अदद टमाटर है, ये 7-8 जवे लहसुन के हैं, ये कुछ हरी मिर्चें हैं और ये प्याज है जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। ये देखें प्यारे व्यूअर्स, मैं कीमे को कुकर में डाल रही हूँ। फिर आपने इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्चे को ग्राइंड कर लिया है, टमाटर। अब आपने इसके अंदर प्याज भी शामिल कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने 1 चम्मच सुरख मिर्च का शामिल कर देना है आपने इसके अंदर। और ये 1 चम्मच हल्दी का, ये कम रखना है 1 चम्मच से थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 चम्मच आपने नमक का शामिल कर देना साथ में। प्याज आपने मोटे मोटे काटने हैं, क्योंकि अगर आप बारीक प्याज काटेंगे तो वो गलते नहीं है, मोटे मोटे प्याज जल्दी गल जाएंगे। अब इसको आपने 20 मिनट के लिए कुकर लगा देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको ढक दिया, ढक्कन लगा दिया। अब 20 मिनट के बाद इसको आपने खोल के देखना है इसकी कैसी कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, कीमे का पानी अब सारा ख़त्म हो गया, बस थोड़ा सा पानी है। जब ये पानी खुशक हो जाएगा तो फिर हम इसको घी डाल के भूनेंगे। ये धुआं सा उठ रहा है, आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहा होगा। ये अब देखें, ये देखें थोड़ा थोड़ा पानी रहता है अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, ये देखें कीमे का पानी खुशक हो गया। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1/2 प्याली घी की कुकिंग ऑयल की शामिल करूँगी। ये देखें, 1 और ये 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आपने 1/2 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला डाल देना है। और ये 4 हरी मिर्चें आपने डाल देनी है, इससे कीमे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कीमा भुन रहा है और कीमे ने अब घी भी छोड़ दिया है। देखें जरा, ये साइडों पे घी आ रहा है, ये देखें जैसे।
अब आपने इसके अंदर ये मटरों मटर शामिल कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा कीमा पक चुका है, ये घी भी ऊपर आ गया है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितनी प्यारी लुक आई है। अब आपने इसके अंदर ये एक चम्मच कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, ये मैंने दरदरा पीस लिया है, और ये एक टीस्पून हाफ टी स्पून ये गर्म मसाला है, आपने इसके अंदर शामिल कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आस्ते आस्ते अभी पक रहा है, घी ऊपर आ रहा है, अब हम आपको टेस्ट करके बताएंगे। प्यारे व्यूवर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द अज जल्द पहुंचे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीमे और मटर वाला सालन बन के तैयार हो गया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखे कितना अच्छा हो रहा, हमने इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का धनिया डाला है। मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।